गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी दूसरी कक्षा में हो और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं। इसके पहले लसिका में हमने छोटे ई की मात्रा सीखी थी, तो यह है हमारी छोटी ई की मात्रा। यह है हमारे छोटे ई की मात्रा। तो ये छोटे ई की मात्रा का इस्तेमाल हम व्यंजनों में यह हमने सीखा था, इसका अध्ययन हमने इससे पहले किया था। और आपके जो ये नोटबुक है, इस पे भी आपने लिखा हुआ है कि क को यदि ये छोटे ई की मात्रा लगाएंगे तो वो की बन जाएगा। तो हमने क से लेकर श्र तक सभी व्यंजनों को क्या किया था, ये छोटी ई की मात्रा लगाई थी। उसके बाद हमने हमारे बुक में जो शब्द है, जो बोल बोल कर पढ़ो ऐसे जो दिए हुए हैं, लगभग 20 या 22 शब्द यहाँ पे होंगे, तो ये सब शब्द अपने आपके नोटबुक पे लिखे होंगे। तो आप, मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से लिखेंगे, तो ये वर्क आपका कंप्लीट हो गया होगा। यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया था कि ये किस तरह से हमें लिखना है। तो बच्चों, यहाँ तक आपका काम, यहाँ तक आपकी पढ़ाई हो गई है। इसके आगे कुछ हम नया पढ़ने वाले हैं। हमने ये भी देखा था कि ये छोटी ई जो है, ई की मात्रा, इसका उच्चारण पर हम अधिक जोर नहीं देते, इसका उच्चारण हम झट से करते हैं। और ये जो ई की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा, वह वर्ण के बाई ओर लगती है। कहाँ पे लगती है? बाई ओर। बाई ओर यानी कि राइट साइड में लगती है। उसको मराठी में उजव्या बाजूला असं म्हटलं जातं। तो ये जो छोटी ई की मात्रा है, वो हमारे वर्ण के बाई ओर लगती है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब हम आगे जाएंगे। आगे की पढ़ाई में हम देखेंगे कि पेज नंबर 20 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आती है पेज नंबर 21 की बारी। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, पढ़ो मेरे साथ। डलिया भरकर नारियल, क्या है? डलिया भरकर नारियल। तो बच्चों, मेरे साथ आप भी जोर से पढ़ो, पर आप तो घर पे हो और मैं यहाँ हूँ, तो जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ वो ध्यान से सुनो, और मम्मी के साथ पढ़ाई करते समय आपको भी ये जोर से पढ़ना है। ठीक है? हाँ, तो ध्यान से सुनो। कविता इधर आ, चिड़िया मत पकड़, साइकिल इधर रख, डलिया उठा, नारियल उठा कर रख, डलिया भर कर नारियल रख, नारियल गिर गया, हिरन आ गया, हिरन मत पकड़, बादल घिर आया, इधर उधर मत जा, साइकिल पर घर चल, घर चलकर नारियल चल। तो इस प्रकार डलिया भरकर नारियल, इसमें कुछ इस तरह से पंक्तियां दी हुई है। तो बच्चों, यदि आप पेज नंबर 21 देखेंगे तो यहाँ पे एक रंगीन पिक्चर, रंगीन चित्र आपको दिखाई देगा। तो इसमें एक छोटा सा हिरन है, हाँ, और यहाँ पे कई सारी नारियल के पेड़ है। यहाँ पे एक औरत खड़ी है और एक छोटी सी बच्ची, आपकी तरह छोटी सी बच्ची साइकिल पर बैठी हुई है, साइकिल के साथ है, हाँ, और साइकिल पे क्या रखा है? डलिया रखा है, और यहाँ पे कुछ नारियल गिरे पड़े हैं। तो ये है कविता। ये छोटी बच्ची जो है, छोटी लड़की जो है, इसका नाम है कविता, और ये कविता की मम्मी है, कविता की
माँ है। तो ये कविता की माँ कविता को कुछ का बता रही है कि कविता ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये कर, वो कर, जिस तरह से मम्मी आपको घर पे बताती है कि गड़बड़ मत कर, पढ़ाई कर, टीवी ज्यादा मत देख, वो कार्टून नेटवर्क पे तू सिर्फ कार्टून देखते रहते हो, तो सिर्फ कार्टून मत देखो, कुछ पढ़ाई भी करो, ऐसे बोलती है ना मम्मा। हाँ, उसी प्रकार ये जो छोटी बच्ची है इसका नाम क्या है, कविता। और ये कविता को उसकी मम्मी कुछ बता रही है। अभी हमने ये सब पढ़ा कि कविता की मम्मी कविता को क्या बता रही है। कविता, इधर आ, चिड़िया मत पकड़। यहाँ पे आपने देखा तो नारियल के पेड़ के पास एक छोटी सी चिड़िया भी है, तो वो कविता उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जा रही है। तो मम्मी बोलती है, कविता चिड़िया मत पकड़, साइकिल इधर रख। कविता की जो छोटी सी साइकिल है वो इधर रख। उसके बाद दलिया उठा। दलिया यानी कि जो बांबू से बनाया हुआ एक अच्छे से टोकरा होता है और उसको हैंडल भी होता है। हाँ, तो उसमें क्या रखते हैं, नारियल रखते हैं, क्योंकि एक साथ तो नारियल सब नहीं उठा सकते, तो इसीलिए वो दलिया का हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो एक प्रकार की टोकरी, दलिया यानी एक प्रकार की टोकरी, टोकरी ही होती है। ठीक है बच्चों, तो उस दलिया में मम्मी कविता को नारियल रखने को, नारियल रखने को कहती है। उसके बाद क्या कहती है, नारियल उठाकर रख, दलिया भरकर नारियल रख। सिर्फ एक ही नारियल रखना है क्या, नहीं, उस दलिया को भरना है नारियल से। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नारियल गिर गया। हाँ, हिरन आ गया उसमें से, उतने ही वक्त, उसी ही वक्त वहां पे एक हिरन आ गया। तो वो क्या करती है कविता, पहले वो चिड़िया को पकड़ रही थी, अब वो हिरन को पकड़ने जा रही है। तो मम्मी बोलती है, हिरन मत पकड़। और उसी समय क्या हो गया, बादल घिराया, यानी कि आकाश में बहुत सारे बादल आ गए। तो वो बादल कैसे होंगे, हाँ, काले बादल, यानी कि वर्षा ऋतु है, तब वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन। हाँ, तो इधर उधर मत जा, मम्मी बोलती है कभी तो इधर उधर मत जा, साइकिल पर घर चल। अभी क्या हो गया है, बादल गिर गए तो क्या होगा, बरसात होगी। हाँ, तो बरसात में हम भीग जाएंगे, नारियल भी भीग जाएंगे, हमारी टोकरी भी भीग जाएगी, दलिया भी भीग जाएगी, तो बहुत क्या होगी, परेशानी होगी। इसीलिए वो बोलती है, साइकिल लेकर अभी घर चल, घर चलकर नारियल चल, यानी कि घर घर जाने के बाद मम्मी कविता को क्या देने वाली है, खाने को नारियल देने वाली है। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ना, बहुत अच्छी है ना कहानी है। हाँ, तो यह कहानी है कविता की और इसका नाम है दलिया भरकर नारियल। इसका नाम क्या है, कहानी का, दलिया भरकर नारियल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी आप पेज टर्न कीजिए। अभी बारी आती है अभ्यास की। हाँ, तो आपको तो पढ़ाई अच्छी लगती है ना। हाँ, तो अभी जो हमने पढ़ा कि दलिया भरकर नारियल, उस पे ही कुछ क्वेश्चन यानी कि सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। बहुत ही आसान सवाल है और वो सिर्फ तीन है। देखो, दलिया भरकर नारियल, तो उसमें हमें क्या करना है, अभ्यास। तो ये अभ्यास क्या है, देखो, बताओ और लिखो, यानी कि आपको ये सवाल क्या करना है, अच्छे से पढ़कर इसका जवाब लिखना है। पर लिखने के लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है, पेंसिल का। और आपके पास
उसमें भी आपको ये सवाल और जवाब लिखने हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हमारा हैंडराइटिंग कैसे होगा? बहुत ही अच्छा होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखे हुए, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लिखना है। यहाँ पे आप इस तरह से इस सवालों के जवाब आपके नोटबुक पे लिखोगे, ठीक है? तो पहला सवाल कौन सा है, कौन पढ़ेगा? यहाँ पे कोई नहीं है, सब घर पे है। हाँ तो मैं ही पढ़ती हूँ अभी। कविता ने क्या उठाया, हमारा पहला सवाल क्या है? कविता ने क्या उठाया, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ, कविता ने नारियल उठाया। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, साइकिल से क्या गिरा? साइकिल से क्या गिरा, तो इसका जवाब है, साइकिल से दलिया गिरा। साइकिल से दलिया गिरा। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, डलिया किस पर रखी थी? डलिया किस पर रखी थी, तो इसका सवाल है, जवाब है, डलिया साइकिल पर रखी थी। डलिया साइकिल पर रखी थी। तो ये तीनों सवालों के जवाब अभी आपको मालूम है, बहुत ही आसान है। हाँ, तो ये तीनों सवालों के जवाब आपको यहाँ पे लिखने हैं। कौन सा पेज? पेज नंबर 22 हमारे बुक में। हमारे बुक का नाम क्या है? रोली हिंदी पाठमाला एक। रोली हिंदी पाठमाला एक। इसमें भी आपको पेज नंबर 22 पर यहाँ पे सवालों के जवाब लिखने हैं। और आपको आपकी इस नोटबुक पर भी इस प्रकार से अभ्यास लिखना है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद हमारा सवाल है दूसरा, उसमें क्या लिखा है? देखो, पेंसिल फिराओ और सुंदर सुंदर लिखो। हाँ, तो ये यहाँ पे पहला शब्द है गिटार, उसके बाद है साइकिल। तो ये शब्द, जो दो शब्द दिए हुए हैं, उनको पेंसिल तो आपके पास होगी, हाँ, तो पेंसिल से इनको ट्रेस करना है। और वही शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, तो उसके बाद आती है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या है? देखो, ई से सही चित्र को जोड़ो। तो ई अक्षर यहाँ पे बीचों बीच दिया हुआ है, हाँ, और यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। कितने सारे चित्र है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने चित्र है? 8 चित्र है, और उनके बीच ई वर्ण है। तो ये ई वर्ण यानी कि छोटे ई की मात्रा। और जो शब्द ई वर्ण से शुरू होते हैं उनको उससे जुड़ाना है। तो पहले देखो, पहला शब्द कौन सा है? इमारत। हाँ, ये तो जुड़ा हुआ है पहले से ही। हाँ, उसके बाद मछली। मछली में ई वर्ण है कहाँ पे? नहीं है। उसके बाद पतंग में है? नहीं है। इमारत में है? हाँ है। तो पेंसिल से इसको जोड़ो, ठीक है, ई से लेकर इमरती तक। और आप स्केल का इस्तेमाल करो अच्छे से, तो आप अच्छी तरह से जोड़ सकोगे, ठीक है। उसके बाद बकरी। तो बकरी इस शब्द में ई है? नहीं है। इमली, हाँ है, तो आप यहाँ पे भी पेंसिल से जोड़ो।
या जोड़ो। तो यहाँ पे इमारत, इमरती, इमली और इटी, ये चार चित्र जो है वो आपको पेंसिल से ये पट्टी का इस्तेमाल कर स्केल का इस्तेमाल करके अच्छे से इसे जोड़ने हैं। तो ये हमारा पेज नंबर हो गया 22 कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो इस नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 4 क्या लिखा है देखो, चित्र को उनके नाम से मिलाओ। तो यहाँ पे 4 चित्र है, गिनो मेरे साथ 1 2 3 4। हाँ, तो यहाँ पे 4 चित्र है और उनके नाम यहाँ पे बीच में दिए हुए हैं। तो ये चित्र देखकर, उनके नाम पढ़कर आपको ये जोड़नी है और इसके लिए आपको मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? हाँ, उसके बाद क्या है देखो, सवाल नंबर 5 ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दों को आपको जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दी हुई है यहाँ पे वही ई की मात्रा लगानी है। कौन से ई की, छोटे ई की मात्रा लगानी है। और ये सब वर्क आपको कहाँ पे करना है, सिर्फ किताब में ही करना है, ये सब आपको नोटबुक में नहीं छुड़ाना। ठीक है? हाँ, तो उसके बाद सवाल है 6 कविता को साइकिल से उसके घर तक पहुंचाओ। बहुत ही आसान है, ये कविता साइकिल पर बैठी हुई है, उसके गलियां में क्या है, नारियल, और यहाँ पे उसका घर है, कितना सुंदर घर है ना। हाँ, तो आपको इसको ऐसे रास्ते से अच्छे से घर पहुंचाना है, इसलिए भी आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा बच्चों, तो यह अभ्यास है, तो यह अभ्यास आपको अच्छे से पूरे लगन से मन से आपके किताब में छुड़ाना है। सिर्फ सवाल अभ्यास है वो सभी आपको किताब में ही छुड़ाना है, ये सब आपको नोटबुक पे नहीं लिखना, क्योंकि आप अभी सिर्फ दूसरी कक्षा में हो। ठीक है? इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक गाना दिया हुआ है, तो पेज नंबर है 24 यानी कि 2424। तो ये गाना किसका है? हाँ, ये गाना चिड़िया का है। चिड़िया कैसे चहकती है, हाँ मालूम है ना आपको? हाँ, तो ये चिड़िया का जो गाना है वो आपको मम्मी के साथ अच्छे से गाना गाना है। तो हमारे गाने का नाम क्या है, उड़ जा चिड़िया। क्या है? उड़ जा चिड़िया। और ये चिड़िया किस तरह से, पीले रंग की छोटी सी चिड़िया है, और ये चिड़िया कैसी है, खुश कर रही है। और आप जब स्कूल में आओगे तभी ये गाना मुझे अच्छे से आपको सुनाना है, इसीलिए आपको ये गाना जो है वो मम्मी के साथ, दीदी के साथ, भाई के साथ बैठकर अच्छे से गाना है। हाँ, और स्कूल में आने के बाद मुझे सुनाना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है? हाँ बच्चों, तो यहाँ तक हमने छोटे ई की अच्छे से पहचान की। हाँ, उसकी वर्ण के साथ, व्यंजनों के साथ उसको मिलाकर अच्छे से लिखा नोटबुक पे। हाँ, उसके बाद हमने छोटे ई के जितने सारे शब्द थे, लगभग 20 शब्द थे है ना, हाँ वो भी हमने नोटबुक पे लिखे हैं। हाँ, उसके बाद हमने ये दलिया वर्ग नारियल यह कहानी देखी। इस कहानी पर जो सवाल थे, 3 सवाल, उनको हमने अच्छे से लिखा। कहाँ पे लिखा? नोटबुक पे भी और हमारे किताब में भी। हाँ, उसके बाद बारी, उसके बाद हमने अध्ययन किया, अभ्यास किया, जो हमारे पाठ्यपुस्तक
आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, कितने अंक मिलने वाले हैं? 10। तो जिन बच्चों को 10 में से 10 मार्क्स चाहिए, अंक चाहिए, वो क्या करेंगे, ये वर्कशीट अच्छे से छुड़ाएंगे। हाँ बच्चों, हाँ तो ये वर्कशीट किस तरह से छुड़ानी है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि हमारे स्कूल का नाम क्या है, आपको पता है? हाँ, हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के। और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हम कौन सी कक्षा में हैं अभी? आप सभी किस कक्षा में हो? दूसरी कक्षा में हो, वेरी गुड। और ये हमारी वर्कशीट है छोटे ए की मात्रा की, ठीक है। हमारा पहला सवाल जो है उसको है 5 अंक। हाँ, तो हमारा पहला सवाल क्या है? ए की मात्रा पर बोल बनाओ। क्या है हमारा पहला सवाल? ए की मात्रा पर बोल बनाओ। तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन दी हुई है और कितनी सारी लाइन से देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे 6 लाइन्स दी हुई है और ये 6 लाइन्स में छोटे ए की मात्रा जिन जिन शब्दों पर आई है वही, पर सिर्फ मात्रा पर आपको गौर करना है, उन शब्दों पर बिल्कुल नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो पहला आपके देखो, सविता दिन निकल आया, सविता दिन निकल आया। तो यह वाक्य है, क्या है वाक्य? सविता दिन निकल आया। तो यदि आप देखेंगे तो सविता इस शब्द में यहाँ पे छोटे ई की मात्रा है ना? हाँ, तो सिर्फ आप इस मात्रा पर ही गोला ऐसे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दी इस शब्द में द पर छोटे की मात्रा है, तो यहाँ पे आप ऐसे गोला बनाएंगे। निकल, निकल इस न में ई की मात्रा है, तो यह मात्रा को आप ऐसे ही गोल बनाएंगे, ठीक है। हाँ, हम पूरे शब्द पर गोल नहीं बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे की लाइन है, किरण किधर गई, शनिवार आया, सविता झटपट उठ, नमिता पढ़कर कविता लिख, कागज पर निशान मत लगाओ। इतने सारे लाइन में से सिर्फ आपको ई की मात्रा पर ही गोल बनाना है। तो एक वाक्य किस तरह से करना है ये मैंने अभी आपको दिखाया है। तो जो बाकी बचे हुए जो लाइन्स है वो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए मार्क्स है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आप ये पेज टर्न करो, वर्कशीट में से हमारा पहला सवाल हो गया है, तो पेज को टर्न करो, वेरी गुड। उसके बाद आता है दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है देखो, छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्दों को लिखिए। क्या सवाल है? छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, कितने सारे हैं? चलो गिनती करो मेरे साथ, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 5 शब्द दिए।
चार शब्दों को यहाँ पे आपको फिर से लिखना है। वापस यहाँ पे आपको ये ई की मात्रा लगाकर अच्छे से लिखने हैं। और इस सवाल को भी कितने अंक है? पांच अंक है। तो पहले सवाल के पांच अंक और दूसरे सवाल के पांच अंक मिलकर हमारी वर्षी कितने मार्क्स की होती है? 10 अंकों की, यानी कि 10 मार्क्स की। तो जिन बच्चों को 10 में से 10 मार्क्स चाहिए, 10 में से 10 और आपको स्टार भी चाहिए, हाँ मुझे मालूम है मेरे बच्चों को बहुत स्टार पसंद है ना, हाँ, तो ये जो 10 में से 10 मार्क्स जिसको चाहिए, ये बड़ा स्टार चाहिए, वो बच्चे अच्छे से ये वर्षी पूरी करेंगे। और यदि कोई भी दिक्कत आ जाए या आपको समस्या आ जाए, किसे छुड़ाए कैसे छुड़ाए, तो ये मेरा वीडियो एक बार और जरूर देखिए, जिससे आपको ये वर्षी छुड़ाने में या अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मम्मी या अपने भैया की या अपने दीदी की हेल्प ले लो और उसको पूछो कि ये किस तरह से छुड़ाना है। और अभी आप तो इतने से छोटे से बच्चे नहीं हो, आप अभी दूसरी कक्षा में हो, हाँ, तो ये अच्छे से आप छुड़ा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने छोटे ई की मात्रा की अच्छे तरीके से पहचान की है। आज हमारी यहीं तक पढ़ाई खत्म होती है।